वेलकम बैक टू माय चैनल एस पी सनाए की रसोई में आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ शाहीन। यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन दम बिरयानी। आप आगे देख सकेंगे कैसा बनेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक, ये है नारियल जो कि पक्की गरी है जिसे बोलते हैं, ये है काजू बादाम और पिस्ता, इन सबको हम पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों को हम पेस्ट बना लिए। थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, दूसरी तैयारी करेंगे। यहाँ देख रहे हैं, ये हमने 2 चम्मच लाल मिर्च लिया है जो कि तीखी लाल मिर्च है, और यहाँ पर गरम मसाला, ये घर का बना हुआ है, ये तेज़पत्ता है जो कि 3 पीस है, ये दालचीनी 1 इंच का है, थोड़ी सी हमने ये काली मिर्च लिया है, ये जावित्री है 6-7 पीस, हमने ये लौंग ले लिया है, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये कलर है ऑप्शनल है, ये इसको झगड़ीला बोलते हैं, ये झगड़ीला है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये चिकन ग्रेवी मसाला है सुहाना का, इन सब का हम मैरिनेट करेंगे। गोश्त 1 किलो गोश्त के लिए हमने इतने मसाले को लिया है, तो इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करने वाले हैं। चलिए इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, इसमें आप 1/2 किलो प्याज को काट कर फ्राई करके रखना है, वो भी डालना है, और दही। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। सबसे पहले नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच हमने नमक मिर्च लिया है, ये है नींबू का रस, ये हमने जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट ले लिया है, और ये सभी मसाले हैं जो आपको पहले दिखा चुके हैं, ये हो गया। इसमें थोड़ी सी हम केवड़ा वाटर डालेंगे, केवड़ा वाटर डालने से बावर्ची की तरह ये बिरयानी का स्वाद आएगा, इस तरह से हम मैश कर लेंगे इसको। इसको मैरिनेट करके हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है, हम दही ऐड करेंगे, दही को ऐड करके अच्छी तरह से मैश कर लेना है। यहाँ पर हम प्याज भुना हुआ मिक्स करेंगे जिसे बरिस्ता बोलते हैं, इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर हमने चिकन 1 किलो लिया है और चावल 1.25 किलो है जो कि हम 1/2 घंटे के लिए इसे भिगो देंगे। तो इन दोनों को एक साइड में रखते हैं, तो हमारा यहाँ पर चिकन तैयार हो गया है। 1 घंटा पहले मैंने इसे रख लिया था। तो यहाँ पर हम 2 कड़छी तेल डालेंगे जो सरसों का तेल है, थोड़ा सा हम डालडा घी डालेंगे, और यहाँ देसी घी, और 1 कड़छी रिफाइंड तेल, और इसमें हम चिकन को डाल देंगे और 2 सीटी लगा देंगे। तो इस तरह से चिकन बन गया। यहाँ पर आप ग्रेवी देख सकते हैं, तो ग्रेवी कुछ ज़्यादा है तो इसका पानी हम थोड़ा सा जला लेंगे। इसके लिए हम 1 बाउल लिए हैं, तो उसमें थोड़ा सा ग्रेवी निकाल लेंगे जो कि हमें लेयर बाय लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमने चिकन दम बिरयानी रेस्टोरेंट पर स्टाइल बनाना है तो इसलिए, और ये चावल का हमने मसाला लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़े टुकड़ों में है वो उसे मराठी मुर्ग बोलते हैं, ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जावित्री लिया है, और दालचीनी है, तेजपत्ता है, साजीरा है, और स्टार फूल है, इनको हम पानी में डालेंगे। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर 3 लीटर 1.25 किलो के लिए हमें उबालने के लिए पानी 3 लीटर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर नींबू हमने जो मैरिनेट किया था वो नींबू भी डाल देंगे इसमें स्वाद के लिए, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी रिफाइन तेल और देसी घी लास्ट में डालेंगे जब ये उबलने लगेगा चावल। तो इससे ये होगा कि चावल आपका भरभरा बनेगा, एक एक दाने इसके अलग हो जाएंगे। यहाँ पर हमने लाल गुलाल चावल लिया है जो कि बासमती चावल है, तो यहाँ पर छन्नी से छान लिया है, स्टीम हो गया है, तो अब हम इसे एक तरफ रख देंगे। तो सबसे पहले हमने जो ग्रेवी निकाला था वो नीचे डाल देंगे, इसमें हमने पीस नहीं डाला है किसी भी चिकन का, तो पीस को हम पूरा निकाल के एक प्लेट में रख लिए हैं साइड में। तो इस तरह से हम अब चावल डालेंगे, फिर इसके ऊपर हम जो बरिस्ता बनाए हैं उसे डालेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर केसर भिगो कर रखा था, और कलर ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर डालेंगे, सुहाना का मसाला, फिर इसके बाद हम चिकन को डालेंगे इसी तरह, फिर हम चावल डालेंगे थोड़ा से, और फिर इसी तरह आप जैसे पहली बार लगाए वैसे लेयर लगाते चले जाइए। यहाँ पर हमने 3 लेयर का बनाया है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने सालन डाल दिया, फिर चावल डाला, फिर इसी तरह हमारे पास जो सामान है वो उन सभी इंग्रेडिएंट को डालते जाएंगे, और जब ये डला जाएगा तो आप इसे 3 मिनट के लिए स्टीम करना है, तेज आंच पे रखना है। तो यहाँ पर पहले ये हमारा मैंने पूरा हम डाल दें इसको कर लें इस तरह से, तो यहाँ पर हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ऊपर से हमें 4 चम्मच घी डाला है, तो 3 मिनट के लिए यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर जो आप कपड़े देख रहे हैं कॉटन का कपड़े, ऐसे आप फोल्ड करके रख लीजिए। आपके पास अगर ये नहीं है तो आपके पास फॉइल पेपर सिल्वर पेपर होगा उसे आप डाल दिए से कर दीजिए, या आटा गूंथ कर उसका लोई बना के गोल करके उससे भी आप ढक्कन में लगा के कोई वजह सामान रख सकते हैं।
तीन मिनट बाद हम तवे को नीचे रखेंगे और हीट करके उस पर ये 15 मिनट के लिए दम होने देंगे। इस तरह से हमारा बिरयानी यहाँ पर तैयार हो गया है। फिर आप हल्की हाथ से इसे चला लीजिए पूरी तरह से, और बीच से नहीं चलाना, इतना ध्यान रखें, नहीं तो चावल टूट जाएगा। तो इस तरह से सर्व कीजिए और बनाइए, खिलाइए सबको। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने चिकन दम बिरयानी बना के तैयार कर दिया है। लगभग इसे बनाने में मुझे 1.5 घंटा लगा था।